तो यातायात के साधनों से जो बिजनेस किया जाता है वही ट्रांसपोर्ट बिजनेस है। अगर आज की बात करें दोस्तों तो ट्रांसपोर्ट बिजनेस आज काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है और इस बिजनेस का काफ़ी ज़्यादा स्कोप भी है। आप देखते हैं दोस्तों डेली कोरियर से जो हमारा सामान आता है वो भी ट्रांसपोर्ट के साधनों के द्वारा ही आता है। अगर कोई ट्रेवल करता है और किराए की बस या गाड़ी कार करता है तो वो भी ट्रांसपोर्ट बिजनेस के अंतर्गत आता है। दोस्तों आपने ट्रक देखे होंगे, ये ट्रक भी ट्रांसपोर्ट बिजनेस के अंतर्गत ही आते हैं। तो बसेज आपने देखी होंगी, काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है बसों में, काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाते हैं, ये भी ट्रांसपोर्ट बिजनेस के अंतर्गत आता है। तो इस बिज़नेस से संबंधित पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं कि किस तरीके से आप ये बिज़नेस कर सकते हैं, कितने तरीके से कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस में कितना इन्वेस्टमेंट होगा, ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस में कितना प्रॉफिट होगा, और आपको हम टिप्स देंगे जिसके द्वारा आप ये ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस में बहुत जल्दी सफल हो सकते हैं। ट्रांसपोर्ट बिज़नेस के लिए लोन कहाँ से लें, ये तमाम तरीके की जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में सामान डिलीवरी होता है, भारी सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इसलिए इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और काफ़ी लोग इस तरीके के बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं। तो बिल्कुल देरी ना करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट कंपनी कैसे खोलें, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस को शुरू करने के लिए अगर आप एक कंपनी खोलते हैं तो ये आपके लिए अच्छा फ़ायदे का सौदा हो सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपके निकटतम जो भी जिला अधिकारी है वहाँ पर फर्म का आपको पंजीकरण कराना होगा, एक GST नंबर लेना होगा, आप दुकान जो खोल रहे हैं दोस्तों शॉप एक्ट लाइसेंस लेना पड़ सकता है, और आप अगर उद्योग आधार नंबर ले लेंगे दोस्तों इस बिज़नेस का तो आपको लोन लेने में, सब्सिडी लेने में अगर हो आपके राज्य में तो आसानी होगी। तो इसलिए दोस्तों ये आपको सभी जितने भी मैंने लाइसेंस बताए हैं और जितने भी रजिस्ट्रेशन बताए हैं ये आपको 10,000 के अंदर हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यातायात साधन की व्यवस्था करना होगा। अगर आप कार लेना चाहते हैं तो कार लेना पड़ेगा, ट्रक का आप बिजनेस करना चाहते हैं ट्रांसपोर्ट को ट्रक लेना पड़ेगा, बस का अगर ट्रांसपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको बस लेना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों आपको चालक की व्यवस्था करनी पड़ेगी, कौन सा बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा यातायात वाहन का आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको चालक की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। दोस्तों सबसे अच्छी खास बात यह है कि ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में कई बैंक भी सपोर्ट देते हैं, जो कि 70-80% तक बहुत ही कम ब्याज पर लोन भी देते हैं। तो ट्रांसपोर्ट के बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं इन 4 से 5 स्टेप में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि ट्रांसपोर्ट बिजनेस के करने का तरीका क्या है, कितने तरीके से आप ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं। तो पहला जो बिजनेस का तरीका है वह ओला और उबेर से आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों स्टार्टिंग में आप छोटी कार ले सकते हैं, उस कार को रेंटल पर ओला और उबेर से जुड़ सकते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको इस बिज़नेस से जुड़ी तमाम तरीके की बारीकियां जानने को मिल जाएंगी, और ओला और उबेर काफ़ी अच्छा कमीशन भी देते हैं। 1,000 से 2,000 प्रतिदिन जब आप एक कार से कमाएंगे तो आपको इस बिज़नेस को शुरू करने में काफ़ी अच्छी हेल्प मिलने वाली है। दोस्तों दूसरा जो तरीका है वो है कार आप खरीद कर, मतलब कार को आप रेंटल पर देकर। जैसे कि शादियां होती हैं दोस्तों, कई लोग कार रेंटल पर करते हैं, पिकनिक पर जाते हैं तो भी कार उनको किराए पर लेते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवलिंग करते हैं, जैसे कहीं भी गिरिराज जी गए, मथुरा वृंदावन गए, या फिर कहीं पर भी उदयपुर गए, या फिर मैसूर गए, ये तमाम तरीके की जगह पर जाने के लिए कार का आप किराए पर दे सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। तीसरे नंबर पर दोस्तों आप जो ट्रैवलिंग या फिर ट्रांसपोर्ट बिजनेस कर सकते हैं वो है पैकर्स एंड मूवर बिजनेस, जिसके बारे में हमने एक वीडियो भी बताई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अगर ट्रांसफ़र होता है दोस्तों, कोई सरकारी अधिकारी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, कोई प्राइवेट अधिकारी भी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो उसको सामान शिफ्ट करने के लिए आप पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उसका सामान सही तरीके से पहुँचा सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो इस तरीके से भी आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। चौथा नंबर पर जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस का टाइप्स है वो है बस सर्विसेज। दोस्तों आपने देखा होगा सड़कों पर कितनी बस चलती हैं, शादी पर भी बसों की बहुत ज़्यादा बुकिंग्स होती है, और अगर फैमिली पिकनिक पर जाती है तो बस बुक जरूर करती हैं। तो ऐसे तमाम तरीके के बिजनेस आइडियाज़ हैं दोस्तों जो कि आप बस खरीद कर सकते हैं। पाँचवें नंबर पर दोस्तों कार ड्राइविंग,
आप स्कूल खोल सकते हैं, एक या दो कार ड्राइविंग आप स्कूल खोल सकते हैं, 102 कार ले सकते हैं जो कि बहुत आसानी के साथ 2 से 3 लाख या 5 लाख में आप कार खरीद सकते हैं और इस बिजनेस में भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। छठवां नंबर पर दोस्तों ऑटो रेंटल सर्विस। ऑटो रेंटल सर्विस दोस्तों आपने देखा होगा कि जब बसेस या फिर रेलवे स्टेशन पर बाहर खड़े हुए ऑटो रिक्शा, आप ऑटो रिक्शा खरीद सकते हैं और उनको किराए पर दे सकते हैं और दूसरे लोग जब आपको ये चलाते हैं दोस्तों तो ये आप 500 से 600 रुपये प्रतिदिन आप ये किराए पर भी दे सकते हैं और बिजनेस कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट कि आखिर आप ये ट्रांसपोर्ट बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितना होगा। दोस्तों इतने 6 तरीके हमने आपको बताए, जैसे कि ओला उबेर हुआ, कार आप किराए पर दे सकते हैं, पैकर्स और मूवर्स हुआ, बस सर्विस हुआ, कार ड्राइविंग स्कूल हुआ, ऑटो रेंटल सर्विस हुआ। ये 6 तरीके के बिजनेस अगर आप कोई सा भी बिजनेस करेंगे तो हर एक बिजनेस में अलग अलग इन्वेस्टमेंट होगा। हम उदाहरण के लिए लेते हैं दोस्तों कि कार ड्राइविंग स्कूल आप खोलना चाहते हैं जिसमें आप 2 से 3 कार लेना चाहते हैं, तो 2 से 3 कार दोस्तों अगर एक कार आप 5 लाख की भी माने तो 15 लाख में आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं 3 कार के साथ। तो दोस्तों आप प्रॉफिट कैलकुलेशन की बात कर लें तो प्रॉफिट कैलकुलेशन इस तरीके का है कि अगर आपकी एक कार दिन में काम कर रही है और वो 500 रुपये कमा रही है तो आपको 3 कार लगभग 1500 रुपये कमाएंगी, और इस तरीके से दोस्तों अगर आप 10 दिन भी काम करते हैं तो लगभग 15000 होता है, 20 दिन अगर आपकी कार तीनों कार काम करते हैं तो लगभग 30000 रुपये होता है, और 30 दिन अगर आप काम करते हैं तो लगभग 45000 होता है। तो इस तरीके से आप दोस्तों देख सकते हैं कि आखिर इस बिज़नेस में आप कितना मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हुई हमारी ये ट्रांसपोर्ट बिज़नेस की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम डेली अपलोड करते रहते हैं, और अगर आप किसी भी बिजनेस के बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल एक फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। घर बैठे पैसे कमाने की टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी।